सो गाइस, येट अनदर वीडियो फॉर माय हॉर्नेट अपग्रेडेशन। जैसे कि मैं बताता रहा हूँ, अभी मैं हॉर्नेट को अपग्रेड कर रहा हूँ। सब बाइकर्स के लिए, हॉर्नेट के लिए नहीं है, इस सारे बाइकर्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या चीज़ का, एक मिनट, दिस इज द वन, अ बिट बिगर थिंग। ये आपको ब्रांड का तो नाम दिख ही गया होगा और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं ये लोग क्या करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दिख जाएगा। ये है तो जेबी रेसिंग किट का लिखा हुआ, पर लिया हूँ मैं अमेजोन से, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा। तो क्योंकि मैं हॉर्नेट को अपग्रेड कर रहा हूँ, पीछे थोड़ा रैक लगाना है, तो जहाँ से मैं ये करवाऊँगा मॉडिफिकेशन का, ये इसका सेटिंग वो लोग भी बनाते ही हैं, पर फिर पूरा उतना टाइम देना पड़ेगा। और ये मेरे को थोड़ा पसंद भी आया, तो वही मैं सोचा कुछ इधर उधर 100% सेटअप तो होगा नहीं, क्योंकि ये NS2 बजाज पल्सर का है, उसके नाम से है, तो उसमें परफेक्ट सेट एक बार में हो जाएगा। तो हॉर्नेट में होगा कि नहीं मेरे को पता नहीं है, तो जो भी नहीं होगा, डाई वाय ऊपर नीचे जो भी करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन जो करते हैं वो ईजिली करते हैं। सो ये अनबॉक्सिंग, बॉक्स में इसको छोड़ के कुछ नहीं है। सो लेट्स हैव अ लुक इनसाइड दिस। पैकिंग बहुत अच्छा है, प्रीमियम पैकेज है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो। इसमें क्या है वो मैं पिक में दे दूंगा, स्क्रीन में देख लीजिएगा, मेरे को अभी कुछ पता नहीं। देख रहे हैं ये, इसमें भी दिया हुआ है आपका ब्रांड का नेम। ये लो एक्चुअली वेरियस अदर जो नॉर्मल बाइक्स है से लेके, मेरे को लगता है KTM का भी लोग ये सब टॉप रैक और स्टेप्स से जो आयरन रिलेटेड मॉडिफिकेशन है या एक्सेसरीज है वो लोग बनाते हैं। TVS का तो मैंने खुद ही देखा है, TVS का RTR सीरीज का जितना बाइक है वो सब का, और साथ ही साथ KTM का भी देखा है, और ये खुद है पल्सर का, होंडा का शायद शाइन यूनिकॉर्न का देखा है। मेरा बाइक का डायरेक्टली नाम से नहीं मिल रहा था। अनबॉक्सिंग अनरैपिंग सब चल रहा है, बहुत ही वेट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका पिक मैं दे दूंगा स्क्रीन में, आप लोग देखिएगा। जब खोल देता हूँ आप, आफ्टर ऑल ये मेरे को अभी सेटिंग कराना ही है, वीडियो में आप लोग देखेंगे ही आगे। इसमें इसका ये मिला है, जहाँ लगेगा वहाँ लगेगा। ये देख लीजिए, करीबी व्यू पिक्चर में आपको दिख जाएगा, मैं आपको थोड़ा वीडियो में 3D दिखा दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम लुक दे रहा है, हॉर्नेट में लगेगा बहुत अच्छा लगेगा। अब देखते हैं ये मेजरमेंट कितना एक्यूरेट हॉर्नेट के साथ फिक्स होता है। इसमें हालांकि कोई नाम नहीं दिया है, जेबी रेसिंग, बस ये आपका ब्रांडिंग दिया है। और ऐसा नहीं कुछ लिखा है कि कोई पर्टिकुलर बाइक का नाम NS200। अमेजोन में जब मैं देख रहा था वो वहाँ पे इसके नाम के हिसाब से था, बट लेट्स सी कैसा ये सेट होता है और कितना मॉडिफाई करना रहता है, इसी वीडियो में आगे आप लोग देख लेंगे। सो आज आ गए हैं जहाँ पे आते हैं नॉर्मली सारे काम के लिए। सो मेरे लोकेशन के आसपास है, तो आप लोग भी आ सकते हैं। और ये रहा जो रखा हुआ है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा सेट नहीं है क्योंकि NS200 लिखा ही था, बाकी काम क्रिएटिविटी का है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। सो अभी तक काम स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारा ही चेंजेस करना है, कोई मैच इसके साथ हो ही नहीं रहा है। सो वही है, चेंजेस के बाद कैसा क्या दिखता है और कैसे क्या हुआ है उसका एक आइडिया और व्यू आपको दूंगा। आयरन ब्लॉक का थिकनेस देखिए, सुपर यूजफुल होगा। अभी बस काम रनिंग में ही है, देखते रहिए वीडियो।
तो इस पे जो मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है उसी का पार्ट है, इसको अलग कर देना है जैसे हो गया है, ताकि इसको अपने ढंग से बढ़ाया जा सके या फिर अपने हिसाब से उसको सेट किया जाए। तो वाइट किया जा रहा है ताकि यहाँ के साथ मैचअप हो सके। तो उसको वाइट करने के लिए इसका जो पहले का दिया हुआ रॉड था, पाइप था, वो छोटा पड़ रहा था, तो उसको और वाइड और एक्सटेंड करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा पाइप को जोड़ दिया गया। ये जो आप वाइट एरिया है ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया इसके साथ, ताकि ये सेटिंग हो सके। ये धीरे धीरे सेट हो रहा है। तो इसका स्प्रे पेंट हो गया है, ड्राइंग के लिए दिया हुआ है। तो ये सेटिंग अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे को जो बाइक का खुद का ग्रैब रेल है उसको भी निकालना नहीं पड़ा, उसको रखते हुए काम कंप्लीट हुआ।
दोस्तों ये फिर अल्टीमेटली कल काम हो गया, होते होते वही एनफ लेट हुआ, रात हुआ, सो मेरे में भी एनर्जी नहीं था, तो मैं अल्टीमेटली सारा चीज़ दिखाई दिया था, बस सीट नहीं लगा था। तो अभी मैं सोचा थोड़ा अच्छे से आपको कंक्लूजन दे के फाइनलाइज कर लूँ मैटर को। तो ये टोटल ये काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही पीटा पीटी हुआ है, कुछ रीज़न है, पर हाँ जो पर्पस था वो मेरा हो गया। तो मेरा हॉर्नेट का अपग्रेडेशन हो गया, क्यों ये लग गया। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नहीं मतलब ये बॉक्स लगने के बाद ये पैर रखने का जगह में थोड़ा कम ही हो गया था, तो वो थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि हिल के लिए तो जगह अभी भी है, टो के लिए भी वैसे रखा जा सके। सो सही है, नीचे भी हुआ है थोड़ा, ये रिसेंटली लगाया ही था, सारा एक्स्ट्रा लाइट्स देखिए काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं अब टू रेडी है। इसमें इस साइड में बॉक्स है, उस साइड में इसका खुद का साड़ी गार्ड सैडल स्टे का काम कर जाता है, मोबाइल होल्डर एंड एवरीथिंग इज देयर। हालांकि ये मेरा ड्यूटी बाइक ही है, टूर के लिए नहीं बनेगा, इसका पावर बहुत ही अच्छा हो गया है, मैंने बहुत ही अच्छा है, क्यों ये इसमें मैंने एक्स्ट्रा ये सपोर्ट दे लिया, सिर्फ वो लगाता तो वो मैंने बहुत ही सिंपल बैग 3-4 kg, 5 kg तक का होता। अभी इसमें पुट एनी केजी, 15 kg, 20 kg, डजंट मैटर। हॉर्नेट का एक्चुअली एक कंप्लीट 85,000 किलोमीटर का एक ओनरशिप रिव्यू, मैंने मेरा रिव्यू रहेगा वो एक अलग वीडियो में रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा मेरा जो भी व्यू पॉइंट है। और 85,000 किलोमीटर तो आप समझ ही सकते हैं, यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसमें टेक्निकलिटीज एंड एवरीथिंग विल बी देयर, सो वो अलग वीडियो रहेगा। ये कंप्लीट हुआ इस वीडियो के लिए। सो दोस्तों कैसा लगा ये हॉर्नेट का जो मॉडिफिकेशन मैंने किया है रिसेंटली, होपफुली आपने टोटल वीडियो देखा होगा। सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने बैठा हूँ, ये आप लोग बाइकर जो न्यू बाइकर्स हैं जो नया मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं और इस टाइप का स्पेशली करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने खरीदा था, पहले बताया था NS 200, मैंने अमेजोन से तो खरीदा था, उसमें NS 200 का डिटेल्स था कि उसका ये टॉप रैक है, मेरे को अच्छा लगा था। इसमें जो वो जो प्लेट बैठा हुआ है ना, जो मशीन फिनिश के साथ लोग बोलते हैं पाउडर कोटेड, वो जो प्लेट, ये कोई भी नॉर्मल जो मॉडिफिकेशन का दुकान है जो काम जानते हैं, जैसे कि मैंने कोलकाता में मैं रहता हूँ तो वो वेलिंगटन चैम्पियन जहाँ से मैंने जिक्सर का काम किया, उतना अच्छा काम हुआ है मेरा बाइक, जो आप वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग आप लोग देखे होंगे उस बाइक में जो काम हुआ है आयरन का, तो ऐसा वहाँ पे सब कुछ लेथ मशीन भी है वहाँ पे, तो इस लेवल पे वहाँ पे काम होता है, पर तब भी ऐसे किसी जगह में ये जो प्लेट बनने का काम है ना वो नहीं होता, क्योंकि इसके लिए और भी एडवांस्ड मशीनरी चाहिए रहता है, और सिर्फ मशीनरी चाहिए रहता है बोलने से तो होगा नहीं, वो उस लेवल का डिमांड, उस लेवल का मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ हो जाता है वो, जैसे जाना हुआ, HDT कस्टम्स हुआ मुंबई के सब, और बेंगलोर में भी है ऐसा कुछ एक 4-5, इंडिया में ये फेमस कंपनी JB रेसिंग, ये सब नेम सुना जाता है, तो ये लोग का ना ये लोग काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में है, ये लोग वो प्लेट को वही लोग बस बना सकते हैं। तो मेरे को थोड़ा इस प्लेट का लालच था जिसके लिए मैंने ये चीज़ खरीदा, देखते हुए भी ये हॉर्नेट का नहीं है, हॉर्नेट का ऑनलाइन में मैं सर्च किया इस टाइप का नहीं है, ऐसे रॉड वो जो पाइप है उससे बना हुआ है प्रॉपरली, वो बहुत है, तो वो तो ये लोग डायरेक्टली जो जहाँ से मैं काम किया वो लोग को बोलने से वो लोग डायरेक्टली बना देंगे, जैसे मैंने अपने जिक्सर में भी बनाया, पर मेरे को चाहिए था वो प्लेट, जिसके लिए मैं सोचा चलो ले लेते हैं, जो भी दाएं बाएं चेंज करना रहेगा वो तो ये लोग कर ही देंगे, जैसे कि किया भी है, तो ये सोच लिया था, पर किया है और मैंने एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा लेबर पड़ गया, और क्या कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उन लोग को भी लग गया, तो क्या होता है ना जो थोड़ा बिग शॉप जैसे वेलिंगटन चैंपियन का है, इस लेवल का जो शॉप है ना, वो लोग देख के ही मना कर देते हैं, नहीं इसमें नहीं बनाना है, तो हम लोग पूरा बना देंगे, प्लेट हम लोग नहीं देते हैं, जैसे कि डेफिनेटली हम लोग नहीं दे पाएंगे, वो फैक्ट्री या फिर इस मैन्युफैक्चर लेवल में जो काम करता है वही लोग करते हैं, मशीन कट का काम होता है वो, तो वो लोग ये बोल देंगे, और जो लोकल शॉप है जैसे कि यहाँ पे मैं गया था, ये भी बहुत अच्छा काम होता है SR कस्टम एंड डिज़ाइन में, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद R&D करके जाना होगा, क्या हुआ था कि ये बहुत कुछ करना पड़ा उसके लिए,
इसका नैरो था, हॉर्नेट का फिक्सिंग पॉइंट चौड़ा है, उसके लिए पहले तो बहुत काम करना ही पड़ा, वो आप वीडियो में देख ही लिए होंगे अभी तक। फिर दूसरा बार लगाने के बाद एक्चुअली मैं सीट बैठ नहीं रहा था, तो मैं स्टार्टिंग में बताता सीट देख रहा तो समाव हो जाता, इतना लेबर पड़ गया ना इसको करने में, तो इंसान है सब तो दिमाग थोड़ा सा लेजीनेस और भी दूसरे दूसरे काम में हो जाता है। फिर मैंने फर्स्ट डे, ये वीडियो एक्चुअली दो दिन का बना हुआ है, फर्स्ट डे में मेजर काम हो गया था, पेंट करना बाकी था। सेकंड डे जो आप देखे पेंट वेंट तो हो गया, अब जब लगाने गए तब वो सीट नहीं लग रहा है, फिर से उस पर पीटा पीटी करके जो मैं आपको दिखाया तो वो थोड़ा सा उसमें मैंने पीटना रहा, फिर पीटने के बाद थोड़ा सा फट गया, तो उस पर फिर से वेल्डिंग पेंट ये सब करना रहा। तो ये जो टोटल जो मैंने क्या बोले हजार्ड, ये जो टोटल जो खटनी है आपका लेबर जो लग गया मेंटल एंड फिजिकल, तो इससे आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले आप सोच लीजिए कि अगर आपका जो चीज़ है ये जैसा मेरा टॉप ये अगर अलग भी है, इसके लिए नहीं भी बना है, तो अगर आपको करना भी है तो कितना करना है आप थोड़ा खुद R&D कर लीजिए, सोच लीजिए, ताकि आप मैकेनिक को जाकर बताएं, उनके पास भी बहुत सारा काम रहता है तो वो लोग भी अपना समझ सकते हैं। डायरेक्टली आप उन्हीं लोग पे पूरा दे देंगे तो ये सब चीज़ मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना, थोड़ा हेर फेर होना ये हो सकता है, तो वही थोड़ा खुद R&D करके जाना है, यही मेरे को बताना था शॉर्टकट में वीडियो में कि आपको करना क्या है, अगर चेंज है तो ये पतला है तो वाइट करना है कैसे, आप खुद से सोच सकते हैं तो उतना सोच के R&D करके जाइए, ताकि आप उनको बस बता दें क्या करना है, वो लोग करने वाले लोग वो लोग कर देंगे जैसे। और देखिएगा मेरा थोड़ा सा पीछे ऐसे उठ गया है, तो बाकी मेरे मिसेस भी बोल रही है और अभी सब बोल रहे हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, पर मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा थोड़ा सीट के लेवल में ऐसे नीचे होने से बेटर होता। हालांकि इसका जो काम है इसमें जो करता है इसमें भी वही करेगा, इसमें बस बाइक को खड़ा करके चाय रख के पी सकते थे, वो अभी नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज लगेज का काम तो ये अभी भी सेम ही करेगा जैसा सीधा मैं उसे करता। और थोड़ा सा अच्छा ही है कि लगेज थोड़ा इस साइड में होगा तो पीछे जो भी पिलियन बैठेगा उसको अच्छा बैक रेस्ट भी मिल जाएगा। मेरा 85,000 हॉर्नेट का एक यूजर रिव्यू, मैं डेली वो 60 to 100 कभी कभी 100, 110, 120 किलोमीटर भी चलता है, इस लेवल पे वो चला है, 5 साल हुआ है, फर्स्ट मॉडल है हॉर्नेट का, इसका एक रिव्यू मैं दूंगा कमिंग वीडियो में। बाइक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा है, अभी भी स्टार्टिंग से लेकर अभी भी मैं सेम माइलेज 50+, 55, 56 माइलेज भी मैं लिया हूँ, सो ऐसा माइलेज मिलता है इस 162 cc के बाइक से, जिसका परफॉर्मेंस भी कितना अच्छा है वो आप लोग अभी तक जानते ही हैं, हॉर्नेट एनफ पुराना हो चुका है इस कंट्री में। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।